आप देख रहे हैं अमेज नाउ। होनहार वीरवान के होत न चीखने पार, पूर्वांचल की यह उर्वरा धरती। शुरू से ही बाबा गुरु गोरक्षनाथ, बाबा रोशन अली शाह, प्रेमचंद, बुद्ध और कबीर की धरती रही है। यहीं से बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जन्म लिया, वैज्ञानिकों ने, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ से निकले और अब यहाँ तक कि खिलाड़ियों ने भी अपना दमखम दिखाया है गोरखपुर की पूर्वांचल की धरती से। सिने प्रेमी और कलाकार, रंगमंच के कलाकार भी पीछे नहीं रहे। दोस्तों, अमेज नाउ की एक छोटी सी पहल रही है और वादा है अपने दर्शकों के साथ कि वो एक छोटा सा मंच प्रदान करेंगे उभरती हुई गोरखपुर और आसपास की प्रतिभाओं को, और शायद यहीं से उन्हें कोई रास्ता भी मिल सके। तो इसी क्रम में आज हमने गोरखपुर महानगर के रहने वाले एक उभरते हुए एक युवा कलाकार सर्वांग माथुर को अपने यहाँ अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। तो आइए हम आपसे उन्हें सीधे रूबरू कराते हैं। हेलो सर्वांग, स्वागत है आपका अमेज नाउ के हमारे इस स्टूडियो में। थैंक यू सर, नमस्ते। सर्वांग माथुर, आप गोरखपुर के रहने वाले हो जी। आपकी पढ़ाई लिखाई, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, दोस्तों को परिचय कराओ अपना। तो मैं 10th तक ये मेट्रोपॉलिटन स्कूल गोरखपुर में पढ़ा हूँ और उसके बाद मैंने PCM DPSR के पुरम न्यू दिल्ली से किया है, और उसके बाद अभी मैं BA LLB परस्यू कर रहा हूँ फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज, GGSIPU। ये गिटार पर ही काम करना या इसको सीखना, ये कहाँ से, मतलब ये भी कहीं ना कहीं से तो इंस्पिरेशन होगा। तो इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ, न्यू दिल्ली में था हॉस्टल में, तो वहाँ पे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स को गिटार बजाना आता था। अच्छा। और मैं गाता तो था बट मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था कि जिसको मैं बजा सकूं या फिर सोलो परफॉर्म कर सकूं। आई ऑलवेज नीडेड अ पर्सन मेरे साथ जो गिटार बजाए तब मैं गाना गाऊं किसी भी परफॉर्मेंस में। तो व्हेन आई लेफ्ट दैट प्लेस तो मुझे वो कमी खलने लगी, मुझे लगने लगा कि मैं अब मैं क्या करूं, क्योंकि सिर्फ गाने से मुझे वो फीलिंग नहीं आती थी जो मुझे गिटार के साथ आती थी। तो इसीलिए मैंने फिर यहाँ पे अभी पैंडमिक के टाइम में, जब मेरे पास काफ़ी टाइम एक्चुअली है, सबके पास है, तो उसमें पढ़ाई के साथ साथ मैं यूट्यूब से और अपने से प्रैक्टिस करते करते मैंने गिटार बजाना भी थोड़ा सीखा। और चलिए अभी थोड़ा मैं रोकता हूँ आपको, और सबसे ज़रूरी है कि जो आप इंस्ट्रूमेंट लेके बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कुछ जरा सा सुनाइए, कुछ मुखड़ा। Shining in the sand and sun like a pearl upon the ocean, come and feel me, girl feel me. Shining in the shade and sun like a pearl upon the ocean, come and feel me, girl heal me. Thinking about the love we're sharing and the life we're sharing, come and feel me, girl heal me. Shining in the shade and sun like a pearl upon the ocean, come and feel me, girl heal me. Tera hone laga hoon, khone laga hoon, jab se mila hoon. बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना मेलोडियस सॉन्ग, और बड़ी, मतलब हम लोगों को बड़ी अचरज भी होता है, आश्चर्य होता है कि इतनी छोटी सी उम्र में और इतना अच्छा परफेक्शन के साथ। और ये इसके लिए कहाँ से, कहीं से गीत संगीत की शिक्षा लिया आपने, किसी इंस्टीट्यूशन में? फिलहाल ऐसे मैंने कोई एजुकेशन तो नहीं ली इसके लिए, बस ये खुद से अपने इंटरेस्ट से सीखता रहा और गाता रहा, तो वैसे ही मेरा हो गया। तो ये बताओ कि फिर भी कितना समय लगा होगा आपको ये इंस्ट्रूमेंट सीखने में? ये मैंने कुछ 2-3 महीने पहले से लिया, और उसके बाद एज सून एज माई एग्जाम, मैंने मेरे एग्जाम जैसे ही ख़त्म हुए मैंने तुरंत फिर इसको शुरू किया। अच्छा। तो टाइम नहीं मिलता था कभी कभी, तो रात में 12-1 बजे के आसपास अलग से कमरे में जाके बैठ जाता था और धीरे धीरे प्रैक्टिस करता था निकाल के। तो वैसे ही थोड़ा सा 2-3 महीने में इतना आया है। 2-3 महीने लगे होंगे आपको ये सब सीखने में, मतलब आपका कोई संगीत गीत का कोई गुरु अगर कहा जाए तो शायद आप YouTube को बोलोगे जी। कोई आपका अलग से कोई गुरु नहीं? नहीं, एक मेरी माँ है जिनको मैं उसका दर्जा दे सकता हूँ और दूंगा भी, वो
उन्होंने काफ़ी हेल्प की है, और लेकिन ऐसे सीखना तो वो मैंने YouTube से किया है। ये अभी जो आपने हमें और हमारे दर्शकों को आपने दिखाया सुनाया वो क्या था, फिल्मी? हाँ, तो ये अजब प्रेम की गजब कहानी मूवी का नाम है। अच्छा। तो उसमें ये गाना है, तेरा होने लगा हूँ। तो आपको आराम से गूगल आप करेंगे तो आपको इसके कॉर्ड्स भी मिल जाएंगे और इसके लिरिक्स भी मिल जाएंगे, जिस पे आप आराम से इसको बजाना सीख सकते हैं। अच्छा, तो आपने इस तरीके से शुरू किया है, सीखा आपने भी? हाँ, नहीं, मैंने तो एक एक पहले एक एक कॉर्ड निकाल के सीखा, उन पे अपनी फिंगर प्लेसमेंट सीखी, और उसके बाद फिर मैंने स्ट्रमिंग पैटर्न सीखा, फिर एक कॉर्ड से दूसरी कॉर्ड पे अपनी फिंगर प्लेसमेंट सीखी, ऐसे कर करके स्टेप बाय स्टेप मैंने गिटार सीखने की कोशिश की। जो जनरली जो नए लोग हैं जी, मेरे जैसे या जो कैमरा पर्सन हैं, मान लीजिए हम लोगों को शौक लग गया कि सीखा जाए, तो हम लोग भी सीख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, हर कोई सीख सकता है। मुझे 2-3 महीने पहले तक लगा भी नहीं था कि मैं कुछ कर भी सकता हूँ। अच्छा। मुझे कुछ नहीं आता था, ग्राउंड जीरो से शुरू किया, और हर कोई सीख मतलब सकता है। ये आपका कहने मतलब कि गीत संगीत की शिक्षा हो तो वो किसी भी उम्र से शुरू की जा सकती है, क्यों नहीं, कोई भी। जी, चलिए फिर अभी और क्या आप हमारे दर्शकों को आप दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं, और क्या क्या चीज़ है आपके पास? मैंने कुछ सॉन्ग्स रेडी किए हैं। अच्छा। जो मैं आपको सुना सकता हूँ। तो क्या वो आपके अपने लिरिक्स हैं या वो फिल्मी हैं? नहीं, वो सारे ऑलमोस्ट सारे बॉलीवुड के ही हैं। अच्छा। और क्योंकि मुझे एक खास रुचि है बॉलीवुड के सॉन्ग्स में, और मैं उन्हीं को प्रेफर करता हूँ। कभी ऐसा मन नहीं करता है कि अपने बनाए हुए गीतों को ही गुनगुनाया जाए गिटार पर? अभी अभी मैं उस लेवल पे एक्चुअली ये मैंने सोचा, बट मैं अभी उस लेवल पे ही नहीं हूँ। ये काफी आगे की बात है। ओके ओके। चाहे कुछ न कहना, भले चुप तू रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का, खामोश चेहरा, आँखों पे पहरा, खुद है गवाह तेरे प्यार का। बहुत बढ़िया, ये हमको लगता है कि हमारे दर्शकों को ये पसंद आया होगा आपका प्रेजेंटेशन। थैंक यू। चलते हैं अगले सवालों की तरफ। जी, तो जैसा कि आपने बताया सर्वांग की आपकी मदर का पूरा सपोर्ट रहा है, थोड़ा सा अब अपने फैमिली के और थोड़ा सा बात बताइए, कितने भाई हो, फादर क्या करते हैं आपके? तो मेरे पापा ये सेल्स मैनेजर इंडस्ट्रियल सप्लीमेंट, उसके केमिकल इंडस्ट्री के हैं, और साथ में उनका एक केमिकल इंडस्ट्रियल बिजनेस भी है। तो उसके साथ साथ मेरी माँ एक हाउसवाइफ है, और मेरे एक भाई हैं, तो वो बड़े हैं, रियल ब्रदर, हाँ वो बड़े हैं मुझसे, और उन्होंने होटल मैनेजमेंट किया है, और अभी उन्होंने उनके पास वर्क एक्सपीरियंस भी 1 साल का, एंड राइट नाउ अभी वो आगे अपने करियर एक्सपीरियंस। सर्वांग, आपका जो पढ़ाई के साथ साथ एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ जो ये आपका ये जो चल रहा है शौक, हॉबी जो है जी, इसमें मदर के अलावा और कोई सपोर्ट कहीं से मिलता है आपको? सपोर्ट तो ऑब्वियसली देखिए पूरी फैमिली का है। मेरे भैया भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, उनका मुझे आने ले जाना, मेरे पापा का। हाँ, इवन ये गिटार ऑब्वियसली ये मेरे पैसे से नहीं है, सो दे गॉट मी द गिटार, और उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। रात में भी अगर मुझे बजाना हो तो एक रूम में मुझे अकेले अलाउ कर देते हैं, तो और काफ़ी बड़ी बात है, मतलब अलाउड करना, वो भी रात के समय में, जिस समय लोगों को आराम करने का समय होता है, उस समय अगर तुमको अलाउड किया जा रहा है तो ये वास्तव में सपोर्ट ही है। तो सर्वांगी, ये मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बधाई, इतना मेलोडियस आपके 2-3 गाने के मुखड़े हमने सुने, और मैं चाहूँगा कि थोड़ी और रियाज, आपको और समय चाहिए, थोड़ा और रियाज, थोड़ा और ऊपर आ पाएँ। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये जगह दी और मुझे सपोर्ट दिया कि मैं यहाँ पर आके गा सकूँ, इससे मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्टअप हुआ, और मैं प्रोबेबली अब मैं आगे भी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा, एंड आई होप कि मैं आपको प्राउड फील कराऊं। बहुत बहुत हम लोग भी इसी के आकांक्षी हैं, आगे आप थोड़ा और आगे जाएं, और ऊपर जाएं, गोरखपुर का नाम रोशन होगा। तो दोस्तों, ये अमेज नाउ की ये पेशकश, ये पहल, ये शुरुआत है, और हम आप सभी से ये वायदा भी करते हैं और आपको आमंत्रित भी करते हैं कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि जरूरत की आप कुछ दे सकते हैं शहरवासियों को,
हमारे शहर को कुछ प्रतिभा दिखा सकते हैं तो जरूर आप हमसे मिलें, हमें संपर्क करें। और सर्वांग माथुर ने जो गीत गाया, जो जो अपना प्रेजेंटेशन दिया, वो कैसा रहा ये आप हमें जरूर बताएं। तो सर्वांग, आज का समय हमारा यहीं समाप्त होता है, हमें अब आपसे विदा लेना हो। थैंक यू सर। और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आपको अगर ये पसंद आया, आपको और भी लोगों की प्रतिभा आगे बढ़ानी है, देखनी है और अपनी क्यों ना बढ़ानी हो, तो प्लीज़ आप अमेज नाउ को सब्सक्राइब करें और आगे इसको भी लाइक एंड शेयर करें। और प्लीज़, और ऐसे इन्होंने जितना सपोर्ट किया है हमें, आप भी इनको प्लीज़ उतना ही सपोर्ट दें। इसी के साथ साथ मैं दर्शकों आपसे कहना चाहूँगा कि जो प्रेजेंटेशन इन्होंने दिया है, अगर वो भी आपको पसंद आता हो तो उसे ज़रूर आप शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। घर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को, तो जाओ जाकर और थोड़ा ऊंचा करो इस आसमान को। पार उतरेगा वही जो खेलेगा तूफानों से, मुश्किलें डरती रही हैं सदा नौजवानों से। तो ये थे हमारे साथ गोरखपुर के रहने वाले सर्वांग माथुर, जिन्होंने एकेडमिक लाइन के साथ साथ अपने म्यूजिक का, संगीत का सफ़र शुरू किया, गीत संगीत का सफ़र शुरू किया। और बड़ा मुश्किल इंस्ट्रूमेंट गिटार, जो आसान नहीं है, उसके साथ इन्होंने शुरू किया है, और वो भी बिना किसी गुरु के। ये बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत सारा इंस्पिरेशन हम में से बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे साथियों ने लिया होगा। तो हमारा आज का सफ़र इनसे मिलिए कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। तो हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज़ नाउ।